हाय गाइस, माय नेम इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और मैं बना रही हूँ फिश करी, जो मेरी फेवरेट है और मैक्सिमम ओडिया लोगों की फेवरेट है, फिश करी मस्टर्ड ग्रेवी के साथ। तो चलिए हमारा यम्मी फिश करी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम्स ऑफ कटला फिश लिया है और इसे वॉश करके रखा है। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और हाफ लेमन का जूस। आप यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं यहाँ कटला फिश के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो रोहू फिश के साथ भी सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। जब तक फिश मैरिनेट हो रहा है, ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करते हैं। मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून ब्लैक और रेगुलर मस्टर्ड सीड्स, 1.5 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टेबलस्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ, 5 से 6 गार्लिक पॉड्स, 1 ग्रीन चिली। मैंने यहाँ पे ब्लैक और येलो दोनों मस्टर्ड सीड्स लिया है, आप चाहें तो कोई एक भी ले सकते हैं। अब इन सारे सीड्स को मैं 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर रही हूँ पानी में, ताकि ग्राइंड करने में आसान हो। 10 से 15 मिनट के बाद ये सारे सीड्स को गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब चलिए फिश फ्राई स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे और उसमें अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से गरम होने देंगे। आप मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करके आपका रेगुलर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये फिश करी का टेस्ट और फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल के साथ एनहांस हो जाती है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें मैरिनेटेड फिश डाल देंगे एक एक करके और फ्राई होने देंगे। एक साइड गोल्डन कलर हो जाने के बाद पलट के दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ दोनों साइड फिश के अच्छे से गोल्डन कलर हो गए हैं। अब मैं इसे पैन से निकाल रही हूँ। इसी तरह से बाकी के फिश को भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब ये हमारा क्रिस्पी फिश फ्राई बन गया है। इसे ऐसे ही दाल चावल के साथ हम खा सकते हैं। गर्मा गर्म फिश फ्राई बहुत टेस्टी होता है। बट आज मैं मस्टर्ड ग्रेवी बना रही हूँ। उसके लिए ये पैन में जो ऑयल बचा है, उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। ये मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड क्रैकल हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप स्लाइस्ड ऑनियन और इसे मैं भून लूँगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि ऑनियन जल्दी कुक हो जाए। ऑनियन अब गोल्डन कलर हो गया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने वाला फुटेज मिस हो गया है गलती से, सॉरी। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक उसका रॉ स्मेल निकल जाए। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के 1 से 2 मिनट और कुक कर लूँगी। जब ये पानी इवेपोरेट हो जाए और जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक हो जाए, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि ऑयल में चिली पाउडर अपना कलर छोड़ दे। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप चॉप टमाटोज। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुक करूँगी जब तक टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए। जब टमाटो सॉफ्ट हो जाए और एक्स्ट्रा पानी सूख जाए, तो इसमें डालेंगे 1 बड़ा सा आलू, जिसे मैंने लंबे लंबे काट के रखा है। आप चाहें तो आलू अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हम लोग उड़ीसा में हर नॉनवेज करी में, चाहे वो चिकन हो या मटन हो या फिश, आलू डालते ही हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू को मसाले के साथ मिक्स करके 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे और फिर इसमें मस्टर्ड पेस्ट जो हम बना के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसमें हम अराउंड 3 कप पानी डाल देंगे। मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद पानी इमीडिएटली डाल देंगे। मस्टर्ड पेस्ट को भूनना नहीं होता है, नहीं तो ग्रेवी कड़वी हो जाएगी।
मैंने यहाँ पे 3 से 4 कप पानी डाला है। आपको ग्रेवी जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। अब डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके कुक करेंगे, तब तक जब तक आलू और मस्टर्ड पेस्ट दोनों अच्छे से कुक हो जाए। अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद जब आलू अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसमें फिश फ्राई ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ता। बन गया हमारा यम्मी ओडिशा स्पेशल फिश करी। ट्राई कीजिए ये फिश करी, सर्व कीजिए राइस के साथ और कमेंट में बताइए मुझे कैसा लगा आपको।